नमस्कार, कुक विद पूनम रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम टोटिला रैप्स बना रहे हैं घर पे ही। इनको बनाना घर पे झटपट बहुत ही इजी है। ये रैप्स हमने बिना आटा गूंथे, बिना चकले से बेले हुए बनाए हैं। ये टोटिला रैप्स हमने लिक्विड डो से तैयार किए हैं, बिना घंटों का टाइम वेस्ट किए ये घर पे ही बहुत ईजिली बन जाते हैं। तो चलिए फिर देख लेते हैं रेसिपी। टोटिला रैप्स बनाने के लिए हमने 2 कप मैदा ली है और हम इसमें 2 ग्लास पानी ऐड करेंगे। अगर आप 1 कप मैदा लें तो 1 ग्लास पानी को ऐड करें, अगर आपने 2 कप मैदा लिया है तो 2 ग्लास ही पानी डलेगा। पहले हमें 1 ग्लास पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब 1 ग्लास पानी और ऐड कर लेंगे। अब 1 टेबलस्पून चीनी डाल देंगे, 1 स्पून नमक, तो मिक्स कर लेंगे इसको भी। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच हम मिल्क पाउडर लेंगे, ये मिल्क पाउडर मस से लिया है। चलिए फिर ऐड कर लेते हैं। अच्छे से सब कुछ मिक्स हो गया है। अब इसमें हम 2 स्पून ऑयल की ऐड करेंगे। आप ये बैटर मिक्सी में भी तैयार कर सकते हैं। देखिए ये तैयार हो गया है। ऐसे हम उठा के डाल रहे हैं तो इसमें कोई रिबन नहीं बन रहा है, ये डायरेक्ट जाकर इसके अंदर मिल जा रहा है। बैटर हमारा तैयार है। आप कोई भी नॉन स्टिक तवा पैन ले सकते हैं जिसमें आप इजीली से बना ले। गैस के फ्लेम को लो ही रखेंगे। पैन हमारा एकदम तैयार है, अच्छी हीट आ रही है। 1 लैडल भरकर पूरा डालेंगे। हल्के हल्के हाथों से फैला लेंगे, जैसे हम डोसा फैलाते हैं, सेम उसी तरह, या जैसे आप घर में चीले बनाते हैं। ड्राई हो जाएगी ऊपर की सतह जब हमें पलटना होगा। देखिए कितना अच्छा सिक गया है एक साइड से, ये हमने पलट लिया है। देखिए अच्छा सिक गया यहाँ से भी। हम इनको हाफ हाफ सेक कर रख रहे हैं। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है, निकाल लेते हैं। किचन टावल में आप रखते जाएं और जब आपको खाना हो तभी इसे बटर लगा के सेक कर सर्व कर सकते हैं। पलट लेते हैं। देखिए अच्छे से इस साइड से भी सिक गया है। अगर आपको अभी खाना है तो इसे पूरा अच्छे से पका लें। ये हमने फुल सेका है इसलिए थोड़ा सा फूल गया है। देखिए इसे भी निकाल लेते हैं। ऐसे बना बना के किचन टावल में रख ले।
जितना बड़ा साइज आप इनका रखना चाहते हैं या छोटा रखना चाहते हैं तो उसी हिसाब से रखें। लिक्विड बैटर डालते ही ये साथ ही हिलने लग जाता है देखिए, और इजीली आप इसको हाथ से भी पलट सकते हैं ऐसे उठाकर। देखिए कितने अच्छे और बढ़िया रैप्स बने हैं, ये बिल्कुल मार्केट जैसे बने हैं और बिल्कुल सॉफ्ट हैं। देखिए बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बने हैं और ये बहुत ही अच्छे लगते हैं घर में बने हुए। इसके अंदर आप बच्चों के लिए आलू की सब्जी या अंडे की भुज्जी डालकर इसको रैप बनाकर बच्चों को दे, बहुत ही अच्छे और बढ़िया लगते हैं। तो बनाए इस तरह से अपने रैप्स घर पे ही और बताएं कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। थैंक यू।